हाय एवरीवन, माय सेल्फ अनुपम सिंह और मैं भी थर्ड ईयर में हूँ IIT कानपुर, भी कैंपस में बैठा हूँ। दिस इज़ पीछे जो हमारा लेक्चर हॉल 19 एंड 20। सो या मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है जेई मेंस जो अभी 2023 देने वाले हैं या पर्टिकुलरली जेई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि जितना भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है, लेट्स से 15-20 दिन जो भी है, ठीक है, जब तुम जेई मेंस दे रहे होगे, जो भी वीडियो देख रहा है, ठीक है, उस वो लोग उसमें जो भी जेई मेंस तुम दे रहे होगे आइदर 23 और 24, उसमें एक चीज़ कॉमन होगी, वो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। वो 11 या 12 लाख लोग अप्रॉक्सीमेटली हर साल देते हैं, बट ओनली 15,000 से 16,000 लोग ही IIT में आते हैं, ठीक है। तो अगर देखें कि क्या डिफरेंस है जो लोग आते हैं जो जिनका नहीं हो पाता, ठीक है, क्या ऐसा अलग करते हैं जो IIT में आते हैं और जो लोग नहीं आ पाते उनका क्या रीज़न है। तो रीज़न ये नहीं है कि जो लोग नहीं आ पाते वो मेहनत नहीं करते या हार्डवर्क नहीं करते, या फिर जो आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यू नो गॉड गिफ्टेड हैं या फिर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मेहनत करते हैं, ऐसा सीन नहीं है। द थिंग इज़ कि जो 4-5 लाख रैंक तक आते हैं बच्चे, वो इक्वली मेहनत करते हैं, ठीक है, मतलब सभी लगभग सेम करते हैं। बट द डिफरेंस इज़ जो IIT में आते हैं, ठीक है, वो अलग ये करते हैं कि उन्हें पता होता है कि अभी करना क्या है। लेट्स से अगर मेरे पास 15 दिन है, ठीक है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जेई मेंस के लिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इस समय मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर रिवीजन करना चाहिए या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी चाहिए रेगुलर होके, या फिर मुझे 12th का देखना चाहिए, जो मेरे बैकलॉग्स हैं वो कवर करना चाहिए, या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करना चाहिए। मतलब कई सारी चीज़ें हैं, हमें क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि करना क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे ये बहुत गलती करते हैं कि जो जिनका नहीं हो पाता, मतलब मेहनत तो करते हैं 4-5 लाख रैंक पे जो बच्चे आते हैं, बट गलती ये करते हैं ना कि वो चीज़ें रैंडम करते हैं। मतलब लेट्स से उनके पास 15 दिन है तो वो ऐसे ही कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, उनके पास कोई यू नो बैकग्राउंड नहीं है कि उनको पढ़ना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, कुछ भी आइडिया नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं या YouTube पे वीडियोस देखते चले जा रहे हैं, ठीक है, या यू नो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते चले जा रहे हैं। एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जितना हमने पीछे कवर कर रखा, जो हमारे बैकलॉग्स है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो हमारा वीक है, उसको देखते हुए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमारे पास टाइम है, ठीक है, या 15-20 दिन, आई एम नॉट सेइंग कि तुम इस समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लोगे या तुम्हारा रैंक 1000 के अंदर या 100 के अंदर आ जाएगा, बट द थिंग अगर तुम टाइम मैनेज करके चलते हो आगे से, ठीक है, स्ट्रेटजी वाइज चलते हो, तो तुम कहीं बेहतर रैंक ला पाओगे, ठीक है, जो भी तुम्हारी रैंक अभी आ रही है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आएगी, ठीक है। तो करना क्या है, ठीक है, करना ये है, पहली चीज़ तो एक स्ट्रेटजी बनानी, एक टाइम टेबल बनाना अपना, जो भी तुम्हारे पास 15-20 दिन है उस हिसाब से बनाना है कि हमें ऐसी चीज़ें करनी, उसको प्लान करना है एंड देन उस पर काम करना है, ठीक है। देखो, अगर तुम्हारे पास प्लान है, तुम्हारे पास मोटिवेशन है कि हमें करना है IIT जाना या IIT में, बट अगर तुम इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो फिर वो बेकार है, ठीक है। तो उस पर काम भी करना होता है और उसको रेगुलर होकर करना है, ठीक है। ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको तुम अगर फॉलो करते हो, डेफिनेटली मैं बता दूँ तुम्हारी रैंक बढ़ेगी। और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से लेना, क्योंकि मैं IIT कानपुर में हूँ और ये काफ़ी रिलेवेंट चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी लोगों को गाइड किया है, काफ़ी बच्चों को देखा है, तो ये बहुत नॉर्मल होता है और बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज रहते हैं, उनको पढ़ना क्या है, ठीक है। मतलब उनके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो पायरेटेड कंटेंट टेलीग्राम से, गूगल से, बहुत जगह से, बड़े बड़े कोचिंगों के कंटेंट डाउनलोड कर लेते हैं, बट एट द एंड जाके वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको पढ़ना क्या है, ठीक है। अभी भी बच्चे बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं कि कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं है कि IIT में बहुत कुछ करके IIT निकलती है, सिंपल सी चीज़ है, IIT में एक बुक फॉलो करो, बट उसे अच्छे से करो, ठीक है, उसे अच्छे से फॉलो कर दो तो तुम क्लियर कर लोगे IIT। बट अगर तुम 10 जगह हाथ मार रहे हो ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, IIT इज़ नॉट वेरी टफ़, बट वी मेक इट टफ़, ठीक है। हम गलतियां कर करके उसे टफ़ बनाते चले जाते हैं, एट द एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैक्टिक हो जाती हैं, हम संभाल नहीं पाते, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि एक स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर काम करो और ऐसी कन्फ्यूज़न मत रखो कि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, बहुत टफ़ है। सिंपल सी चीज़ें जो तुम्हारे नोट्स वगैरह हैं, जो तुमने बना के रखे हुए हैं अभी तक, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगे तुम्हारे लिए। दैट्स ऑल, आई गेस तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर तुम्हारे कुछ भी डाउट्स, कुछ भी पूछना, तो कमेंट में पूछ लेना। अगर संजीव नहीं, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मेरा नाम अनुपम सिंह है, ठीक है, यू कैन टैग मी और तुम मेंशन कर देना, ठीक है, आई विल बी हेल्प देयर
टू हेल्प यू. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.